खत्म कर दिया है। कराची में हूं और कराची में भी के इलेक्ट्रिक के बिल्कुल सामने, लेकिन के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया ये नहीं समझे कि कोई मैं इनके खिलाफ धरना एहतजाज मुजाहरा करने आया हूं। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कराची में, ये सारे मुल्क में जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। लेकिन अगर आज पाकिस्तान के आवाम से ये मालूम किया जाए कि उनका सबसे बड़ा मसला पनामा लीक्स है या लोड शेडिंग, तो गर्मी में झुलसते सुलगते लोग जो कराची में लोग कहीं 7 से 8 घंटे, कहीं 8 से 10 घंटे, कहीं 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब में कहा जाता है कि 12 और 14 घंटे से लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ पर मैं जमात इस्लामी के उस कैंप के सामने हूँ जो कराची के 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों से दस्तखत कराकर ये पिटीशन पेश करना चाहते हैं अदालतों और इंतजामिया के सामने कि पाकिस्तान का और इस शहर का सबसे बड़ा मसला हल किया जाए। हैरत की बात है, और मैं इनसे पूछूंगा भी कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, जो एक बार नहीं 3 बार वजीर आजम रहा और जिसने ये दावा किया था कि वो 2018 में लोड शेडिंग खत्म कर देगा, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े मोतबर अखबार ने रिपोर्टिंग की है कि वो अपने सिक्योरिटी से पूछते हैं कि जनाब ये 13 से 14 घंटे लोड शेडिंग क्यों हो रही है। सिक्योरिटी जवाब देता है 118 अरब रुपए की अदायगी नहीं हुई। इससे पहले कि मैं नईम साहब के पास जाऊं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया को चाहिए कि ये जो बिल लोग कहते हैं चले हम लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें, हमारे यहाँ बिजली नहीं आती फिर भी बड़े हुए बिल क्यों आते हैं। और आप सोचें जिनकी तनख्वाह 15,000 होगी, 20,000 होगी, उनके अगर बिल 50,000, 60,000, 1,00,000 आएंगे तो क्या गुजरेगी। लेकिन नाज़िम हाजी साहब यहाँ मौजूद हैं, हाफिज नईम साहब भी मौजूद हैं। नईम साहब, कुछ ये मसला तो नहीं लग रहा कि सिर्फ जमात इस्लामी ही ने एक प्रेसिड मसला बना लिया है कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ वो झंडा उठाए, दीगर पार्टियां इतनी क्यों सरगर्मी नजर नहीं आ रही? नहीं देखिए, जमात इस्लामी ने आज से नहीं बहुत पहले से इस मसले को उठाया हुआ है। जब इसकी प्राइवेटाइजेशन की जा रही थी नाजायज तरीके से, कोई चीज़ सामने नहीं आ रही थी, उस वक्त भी हम एहतजाज कर रहे थे सिविल सोसाइटी और मुलाजमीन के साथ मिलकर, बाद में भी हम वक्फे से ये काम करते रहे। बदकिस्मती से के इलेक्ट्रिक ने कराची की डायनेमिक्स को समझ लिया था और जो सबसे बड़े चौधरी और बदमाश थे उनको काबू में कर लिया था, जिसके नतीजे में कोई आवाज़ ही इनके खिलाफ नहीं उठती थी। इन्होंने गवर्नमेंट्स में भी अपने असरात को कायम किया और पार्टियों के भी जो मिलिटेंट विंग थे उनको अपना ठेकेदार बना दिया रिकवरी का, जिसके नतीजे में सबको बिल्कुल साउंड कर लिया और शहरी बिलबिलाते रहे, परेशान होते रहे और अजाब सहते रहे। हमने इस मसले को एक मरतबा फिर जब टेकअप किया और जरा निस्बतन बेहतर फिजा है कराची के अंदर, तो ये मसला हाईलाइट हुआ है। हमारे धरने भी जारी हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, ग्रास रूट लेवल पर कैंप्स लग रहे हैं, कंप्लेंट सेंटर बने हुए हैं और इसके नतीजे में एक मोबिलाइजेशन हुई है और पहली मरतबा लोगों को ये उम्मीद पैदा हुई है कि जमात इस्लामी यूपी की सीरियस पार्टी है और हवाओं में बात नहीं कर रहे, आदाद शुमार के साथ बात कर रहे हैं, पूरा अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं नेपरा में अपनी पेशी जाकर वहां पर बात करने का, सुप्रीम कोर्ट में केस करने का और खुद इंतजामिया से बात करने का। इस लिहाज से हम एक सीरियस मसले को सीरियस तरीके से हल करना चाहते हैं। ये मसला लेकिन पंजाब में भी है तो लोग कहेंगे पंजाब में वापडा के सामने भी मुजाहरा करेंगे, हैदराबाद में भी करेंगे, क्वेटा बलूचिस्तान वहाँ भी करेंगे, लेकिन जिस शिद्दत से यहाँ हो रहा है लोग कहेंगे जी वहाँ नहीं हो रहा। नहीं, उसकी एक रीज़न है। लोड शेडिंग के हवाले से तो जमात इस्लामी ने भी पूरे मुल्क में कैंपेन का ऐलान किया, 28 मार्च से वो चला रहे हैं, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक का मसला ये है कि सिर्फ लोड शेडिंग का इशू नहीं है, उस पर तो पूरी बात हम करेंगे कि लोड शेडिंग यहाँ जीरो होनी चाहिए, इसलिए कि हमारी जरूरत जो है वो 2200 मेगावाट है और इनके पास जो मौजूद है वो 3000 मेगावाट है। लेकिन हम तो ये कहते हैं ये ओवर बिलिंग सबसे बड़ा मसला है यहाँ का, ओवर बिलिंग। और उसके अलावा दूसरा मसला जो मैं वैसे मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है कि एक सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि के इलेक्ट्रिक को आखिर शंघाई इलेक्ट्रिक को क्यों फरोख किया जा रहा है। वैसे तो लोग ये भी सवाल करेंगे ना कि 45 अरब और 50 अरब, और आप कहते हैं
65 अरब का सी पैक हो गया है और ये कर्जों की सूरत में क्या हो गया है। मैं नईम साहब, नईम साहब आपके पास भी आ रहा हूँ और दूसरे दोस्तों के पास आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस चौराहे पर खड़ा हूँ तो मुझे जो बिल दिए गए हैं उनमें एक मिसाल अगर के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया देख रही है तो ये नोट करे, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं छोटे, उन्होंने बताया कि मंजूर हुसैन कोरंगी में रहते हैं, उनका ये कंज्यूमर नंबर देखा जा सकता है। भाई जरा बताओ आके कंज्यूमर नंबर कौन सा है, कोई ये नहीं कहेगा कि जाली बिल लेके आ गए हैं। इनका कहते हैं जी 15,000, 20,000, 25,000 बिल आया। फिर लोग जब ये बिल लेकर जाते हैं तो कहा जाता है जनाब आप पहले ये 30,000, 35,000 भर दें, यानी तनख्वाह सिर्फ 30-35,000 वो भर भी दे देते हैं। उसके बाद उनका 50,000 का बिल आता है, 60,000 का बिल आता है, 70,000 का बिल आता है और 1,30,000 का बिल आता है। और मैं जो ये समझता हूँ कि इन सड़कों पर तीन दहाई से आवाज़ें लगा रहा हूँ, स्क्रीन पर 1.5 दहाई से आवाज़ें लगा रहा हूँ, इनकी आवाज़ बनकर यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद भी अपने को बेबस समझता हूँ। तो मसला दो है, एक तो ये ओवर बिलिंग का, अगर लोड शेडिंग हो रही है, ये मेरे सामने बकायदा पूरी फाइलें मौजूद हैं जनाब लोगों के केसेस की, जिनमें तफसील से बताया गया है। और मैं एक एक केस को, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया चाहे तो वो इसको चैलेंज कर सकती है जो लोगों ने कहा है। ख़ास तौर पर ये मैं बिल खास दिखाऊँगा, बार बार दिखाऊँगा मंजूर हुसैन का, और ये चाहूँगा ये करें। नाजिम साहब, हमारा मसला एहतजाजी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उनकी क़यादत से लोगों को यही शिकायत थी कि जनाब आप जो है वो हम वोट भी आपको दें, हम आपको MPA बनाएं, सेनेटर बनाएं, मिनिस्टर बनाएं, आपको बल्दियात भी दें, फिर हड़तालें भी आप करते हैं, मुजाहरे भी आप करते हैं, जलसे भी आप करते हैं। लोग ये समझते हैं कि जनाब कराची के मसाइल एहतजाज से, जलसों से, जुलूसों से हल नहीं हुए, ये जैसे मैं ये बिलों की ये बिल और ये बिल हल कैसे होगा मसला नादिम साहब, ये लोग चाहते हैं। लोग एहतजाज का नतीजा आपको इल्म है ना कि पाकिस्तान में उस तरह नहीं निकलता जिस तरह महज़ब मुल्कों में निकलता है। देखिए ये अगर सही तरीके से अगर सॉल्व हो सकता, बहुत आसानी से हो सकता है, अगर के इलेक्ट्रिक वाले अगर वो जो बैठे हुए अपने एयर कंडीशन कमरों में वो प्रोफेशनल से सारे, इनको थोड़ा सा दर्द होना चाहिए पब्लिक के लिए कि ये लोग गलत काम ये करवा रहे हैं, ये उनके आम आदमी IBC में उनका फॉल्ट नहीं है, इन्होंने इसी स्कीम नाफिस की हुई जिससे इंसेंटिव स्कीम कहते हैं कि लोगों को इसका कमीशन मिलता है, तो इसकी वजह से वो और इन्फ्लेट करते बिलों को, मैनिपुलेट करते बिलों को, और इस तरह काम चल रहा है उनका। और देखिए ये आम सार्फिन का मसला एक है, दूसरा जो पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में टाइम ऑफ यूज़ मीटरिंग की फैसिलिटी दी जा रही है, सिर्फ कराची में नहीं है, और ये इंडस्ट्री में अभी हाल ही ये क्या जरा बात करें इसकी मैं नहीं समझ पाया। ये टाइम ऑफ यूज़ ये होता है कि दिन में 4 घंटे जो होते हैं वो पीक आवर होते हैं, जिसका रेट 18 रुपये है, और बाकी जो 20 घंटे होते हैं उसके 12.5 रुपये रेट है। ये इलेक्ट्रिक 18 रुपये पूरे 24 घंटे लगाती है। अच्छा तो जनाब, पूछने वाला नहीं है। चलिए ये एक मेरी मालूमात में इजाफा है भाई, अगर कोई मुझे इल्म है कि इस वक्त नोटिंग हो रही है, ये भी नोट कर लें, और नाजिम हाजी साहब को मैं जानता हूँ, अगर इन्होंने गलत करा तो इन्हें आप कोर्ट में लाएं, पब्लिक की भी और अदालत की भी। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो खास बात बता रहे हैं ज्यादा नहीं हो रहा, दूसरे एक बात ये भी कही जाती है कि जनाब इसका सिर्फ जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है, वफाक और सूबा नहीं, यानी ये वफाकी हुकूमत एक छोटी छोटी चीज पे नोटिस देती है, सुप्रीम कोर्ट टमाटर से लेकर जो है आलू तक पर नोटिस देती है, वो जो है कराची के लाखों लोगों के इस मसले पर क्यों नोटिस नहीं लेती, और अगर नोटिस लिया भी है जिस तरह कभी आते जाते तो उसका असर क्या हुआ। चलिए मैं आज हाफिज साहब से पूछ जाता हूँ। नहीं देखिए ये बात सही है कि न सूबाई हुकूमत के कान पर क्यों रिंगती है और ना विफाक के ऊपर, ये कहते हैं कि यार ये तो एक प्राइवेट एंटिटी है। अरे भाई प्राइवेट एंटिटी है, आपने बेचा इसको 16 अरब रुपए में, इसके खंभों की कीमत के बराबर आपने इसको जो है वो दोबारा इसको दूसरी कंपनी को बेच दिया, फिर अब तीसरी कंपनी को आप बेचना चाहते हैं, और ये कंपनी कमाए जा रही है 45 अरब रुपए इसने कमाए हैं लास्ट ईयर। ओके ठीक है, और हमसे सारे पैसे लूटे हैं, सब्सिडी उनकी जेब में जा रही है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, आप उन्हें 650 मेगावाट बिजली जो नेशनल ग्रिड से देते हैं वो चूंकि हाइड्रल पावर पे होती है तो कम कीमत होती है, उसका इफेक्ट मेरे और इनके बिल पे आना चाहिए, हम सबके बिल पे आना चाहिए, तो हमारे बिल पे इफेक्ट नहीं आ रहा बल्कि उनके प्रॉफिट पे इफेक्ट आ रहा है। उनका प्रॉफिट बढ़ता चला गया है, 177 अरब रुपए में अब वो शंघाई इलेक्ट्रिक को बेचने जा रहे हैं, दरमियान में जितना माल कमाया है ऐसे थोड़ी बेचने जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमने स्टॉक एक्सचेंज को कहा है, गवर्नमेंट के इदारों से कंसल्ट की है, ऐसे कोई वो मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन दो सवाल
जरूर उठाऊंगा, और वो है एक तो ये कि अगर शंघाई इलेक्ट्रिक को बेचा जा रहा है तो एक तो बहुत बड़ा सवाल सिर्फ शंघाई का ही नहीं बल्कि सीपैक के हवाले से भी उठ रहा है कि जनाब ये कहा जा रहा है कि जनाब 12 शायद पहले 35 अरब रुपए थे उसमें शायद 12 अरब रुपए एनर्जी पे खर्च होने थे, शायद वो 12 अरब डॉलर अगर एनर्जी पे खर्च हुए तो 2018 तक आज तक बिजली की लोड शेडिंग कमी के बजाय इसमें इजाफा क्यों हो रहा है। दूसरे, क्या आप के इलेक्ट्रिक को शंघाई इलेक्ट्रिक में बेच सकते हैं, और बिलिंग का मसला तो है ही, और सबसे बढ़कर ये कि यह मसला खाली के इलेक्ट्रिक का या कराची का नहीं, ये सूबाई हुकूमत यानी शाह साहब मुराद अली शाह साहब आपका भी है, कराची के अवाम खाली सेवन तक आपकी हुकूमत लड़काना और नवाब शाह तक नहीं है, कराची में भी सिंध की हुकूमत है, और हाँ वफाक जाति उमरा तक नहीं है, सिर्फ चकवाल और सरगोदा और पंजाब की हुकूमत नहीं है। मियाँ साहब ये आपका भी मसला है, ये हम सिर्फ खाली इनको मुर्दे इल्ज़ाम कटहरे में लाके नहीं, आप भी सिंध हुकूमत के अगर हुक्मरान और कराची जिसमें है आप भी जिम्मेदार हैं, वफाक भी जिम्मेदार है, और भी यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं जिनका सबसे बड़ा मसला जैसे मैंने कहा बिल का मसला है। मैं ये चाहता हूँ जब ये कहूँ अगर आज मैंने 5 लोगों के बिलों के मसले भी हल कर दिए तो मुझे समझता हूँ कि इस चौराहे पर खड़ा होकर मैंने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए कम से कम 5 लोगों के आवाज़ भी उठाई और शायद उनका मसला भी हल किया। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वैसे तो इस वक्त अगर जिस चौराहे पर हम खड़े हैं वहाँ पर चार जानेब अगर कैमरे की आँख जाए तो काफ़ी रोशनी नज़र आएगी, लेकिन अगर आप इसके पीछे जाएंगे बेशुमार ऐसी बस्तियाँ उनमें आपको उनके घरों के चिराग बुझते नजर आएंगे। लेकिन एक कुछ लोग वो ये भी कहते हैं जनाब, इस पर भी मैं इनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा कि दरअसल एक हिकमत अमली तैयार की गई है, अगर 100 फ्लैटों में 70 फ्लैट बिजली नहीं देते तो हम वहाँ बिजली नहीं देंगे, अगर कुछ इलाकों में 40% लोग 50% लोग बिजली के बिल नहीं देते तो नहीं करते। उनका कहना है कि कम्युनिटी को कोई भी एहसास होना चाहिए, ये सवाल वो बड़े तवातुर से कहते हैं कि हम एक सिस्टम के ज़रिए, यही वो कहते हैं हमने DHA में भी सिस्टम इस्तेमाल किया है कि जिस फेज़ में वहाँ पर बिल कम आते हैं वहाँ बिजली कम होती है, यहाँ पूरे आते हैं ये भी आते हैं। इन तीनों के सवाल हम लेंगे अपने इन लोगों से जो इस चौराहे पर खड़े हुए एहतजाज कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में, पेश होती है बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हकूक की पामाली आखिर कब तक, अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है, सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों, अवामी सियासत के जमाने क्या हुए, सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 News HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे, हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी, हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 News HD पर।
करते रहे जुनू की हिकायत खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुबा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गईं। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया, कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती है बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत, बैंक अकाउंट,
ट्रेडिंग खत्म कर दिया है। पनामा लीक का हंगामा तो खत्म हुआ और वैसे भी लोग ये कहते हैं जनाब ये कैसे फैसले सुप्रीम कोर्ट करती है और अस खुद नोटिस लेती है और इख्तलाफी नोट देती है क्योंकि उसके बाद मसला तो हल नहीं होता। हमारे ये के इलेक्ट्रिक के लिए भी बड़े अरसे से हमारे दो सिविल सोसाइटी के लोग कोर्टों के अदालतों के धक्के का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना मौजूद लोग हैं लेकिन इसीलिए अब ये सड़कों पर आए हैं। और मैं कतई तौर पर इस जो प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं उसको सियासी नहीं बनाना चाहता क्योंकि बुनियादी तौर पर ये मसला आम आदमी का है और आम आदमी मायूस है सॉरी टू से क्योंकि यहाँ के जो नुमाइंदा लोग थे जिन्हें वो वोट देते रहे जनाब हड़तालें होती रहीं सब कुछ होता रहा उनका मसला तो हल नहीं हुआ। मुझे तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि जैसे मैंने पहले ब्रेक से पहले एक मंजूर हुसैन का केस बताया था जिनके जिन कोरंगी में रहते हैं कंज्यूमर नंबर तमाम तफसील मेरे पास है अब 1.5 लाख का बिल आ गया कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हुमा बुखारी मेरे सारे बहुत अरसे थे तवील अरसे थे ये तो एक ज़माने जाके छापे वापे भी मारने लगी थी फिर मैंने सोचा था भाई एहतियात करें आप तक मैं आ रहा हूँ आपके मसाइल तक हुमा ये जो एक दो मसले हैं एक तो लोग बिलिंग का मसला है और के जी ओवर बिलिंग का दूसरे रेट का मसला है ये कैसे तय होता है। जैसे आपने खुद कहा ना कि पनामे लीक्स खत्म हुआ और सियासी मसला नहीं लेकिन आप देखें तो 10-12 साल से वो केस जो प्राइवेटाइज हुई वो सियासतदानों को नजर नहीं आई आज क्योंकि बात करने के लिए कोई मसला नहीं है तो कराची का हर मसला एक सियासी मसला हो जाता है। इनको तो मत कहें तो पहले से कर रहे थे ना हमारे हाफिज साहब वगैरह आवाम का मसला जेन्युइन मसला है जिसको सॉल्व करने के लिए प्राइवेटाइजेशन के बाद जो पैकेजेस हैं वो मौजूद हैं लेकिन मसला ये कि इनके हक के लिए इन्हें वो पैकेजेस बताए जा रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट है या नहीं जायद बिलिंग को किस तरह ख़त्म किया जाएगा फेक मीटर्स को कैसे ख़त्म किया जाएगा सहूलतें कैसे दी जाएंगी आधे जायद बिल को माफ़ करके 6 महीने कैसे किया जाएगा चले आप बताएं एक मिनट में जरा मैं कॉल लोगों के भी सुनने देखिए एक तो ये कि अगर जायद बिलिंग है तो उसमें से आधे पैसे माफ़ हो रहे हैं उसके बाद इंस्टॉलमेंट है नहीं हो रहा फ्यूल की प्राइस कम हुई है कम अज़ कम 2 से 4 रुपये पर यूनिट कम होना चाहिए एक तो वो कम नहीं हुए और दूसरे कम होने का ये है कि जी जो 300 से जायद पर यूनिट इस्तेमाल करते हैं उन पे कम होंगे तो जो गरीब है उसके पास तो यूनिट 200-250 खर्च हो रहे हैं उसको रिलीफ वहाँ पे नहीं है। सारी चीज़ों के बावजूद हम हक मानने के लिए खड़े हो जाते हैं लेकिन जो हमारा हक है वो हमें कोई बताता नहीं कि किस तरह से इस तरह के जल्सों को सियासी एक अगर उसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये लोग खड़े हुए हैं इसके लिए हम वो चीज़ नहीं मांग रहे जो उनके लॉज में नहीं है। आप देखिए ना कि एक उन्होंने बेच दी एक और कंपनी को आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि लाइबिलिटीज समय कौन लेगा आप कई के अलावा किसी और को दुनिया भर में आ रही है अल्टरनेटिव एनर्जीज आप पाकिस्तान में नहीं आने दे रहे तो कराची में एक तो बिजली महंगी ऊपर से कॉम्पिटिटर कोई नहीं और जो आसानियों की वजह से आपने खरीदा था इसको एक बहुत ही नहीं लेकिन देखिए एक पॉलिटिकल हुकूमत चाहे वो सिंध में उसका असर कम हो या ज्यादा लेकिन ये तो मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत में बैठी है और जिनके लोग इत्तेहादी भी बन जाते हैं वो तो ये कह रहे थे ना 2000 लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। आज प्राइम मिनिस्टर अगर ये इतराफ़ करते हैं कि सारे मुल्क में लोड शेडिंग 13 से 14 घंटे है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ के इलेक्ट्रिक को तो नहीं ठहराया जा सकता और इधारे वफाक भी तो है सिंध हुकूमत भी तो है हमारे मेयर कराची भी तो हैं बल्दियात है ठीक है प्रोटेस्ट करने वाले आप हैं पौड़ी हैं लेकिन जरा मैं कोई केस सुन लूँ एक आम आदमी का क्योंकि जैसे मैंने कहा इन लोगों ये लोग बेचारे और दर बदर की ठोकरें खाते हैं और ये बिल लिए घूमते रहते हैं पहले कहते हैं जी भर दो आपका नाम क्या है जी सलीम अख्तर कहाँ रहते हैं आप क्या कहाँ क्या मसला है मेरा मसला है कि 1,00,000 रुपए का बिल है 1,00,000 कंज्यूमर नंबर क्या है आपका मुझे याद नहीं आ रहा कंज्यूमर नंबर जी कंज्यूमर नंबर क्या है इनका नंबर है LA9295 पहले कितना बिल आता था पहले आता था 1,000-1,200 तो ऐसा तो नहीं कि 12-14 अड़ोस पड़ोस वालों को आपने देना शुरू कर दिया हो हैं आप चेक कर सकते अच्छा मेरी बच्चे बीमार थी ठीक है डायलिसिस पेशेंट 10 साल मैंने पेमेंट नहीं किया केसी को उन्होंने 1,00,000 रुपए का बना लिया ठीक है मैंने कहा कि भाई आप इंस्टॉलमेंट 3,000 कर दो बोलते नहीं 10,000 करूँ ओके मैंने 10,000 किसी तरीके से
आप ही नईम रहमान जैसे लोग मुझे दिया, जाओ पेमेंट कर दो, मैंने कर दिया। उसके बाद मेरी कोई गुंजाइश नहीं है। 10,000-12,000 अब क्या मसला है आपका? अच्छा अच्छा मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये बिल है ना कराची का, एक चीज ये तय हुई है कि जो रीडिंग होगी उसका स्नैपशॉट आएगा इलेक्ट्रिक बिल पे, ये मुल्तान में आपको नजर आएगा, पाकिस्तान के लिए कराची में क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा प्रोफेशनल इदारा है कि ये स्नैपशॉट क्यों नहीं है, इसकी बात सच है या झूठ उस स्नैपशॉट से पता चल जाएगा। इम्पोर्टेंट बात मुझे ये है, लेकिन मसला ये है कि इन्होंने जो इजाफी बिल लगा के भेजा है एरियर, या इन्होंने जो इजाफी चार्ज दिया है, कहाँ लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है? देखे ना, हमने अपने मुतालबात में ये लिखा है कि भाई जब भी आप कोई इजाफी पैसे लगा कर देंगे तो जस्टिफाई करेंगे एक लेटर के जरिए से, इंटीमेट करेंगे कि भाई ये इन चीज़ों की वजह से हमने आपको जो है ना ये इजाफी बिल लगा के भेजा है। आप कुछ भेजते नहीं हो, जब पूछो तो कहते हो कुछ नहीं हो सकता, आप पैसे जमा कराओ। ये तो बदमाशी है, हुंडा कर दिए सीधी सीधी। अच्छा एक मैं नाजिम भाई आपके बता दूँ, एक क्विक इनसे पूछ लूँ, आप कहाँ रहते हैं जनाब? मैं दिल्ली कॉलोनी। अच्छा, और यहाँ दिल्ली कॉलोनी में जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड की कच्ची आबादी है, और यहाँ पर कई बरसों से कैंटोनमेंट बोर्ड और के इलेक्ट्रिक की मिली भगत से हमारे मीटर्स बंद कर दिए गए हैं, और यहाँ के तकरीबन कोई अच्छा है ना, मीटर बंद कर दिए गए, बिल ही नहीं आएगा। मेरी बात तो सुने ना, तकरीबन 30,000 घराने, और ये बोलते हैं कि एक मीटर पर 10 फ्लोर चलाओ। अच्छा। तो एक मीटर पर जब हम 10 फ्लोर चलाते हैं तो हमें देने पड़ते हैं ज्यादा पैसे। अरे मकान नंबर कौन सा है? दिल्ली कॉलोनी छोटी मस्जिद वाली गली। वैसे दिल्ली कॉलोनी छोटी वाली मस्जिद का वाली गली, उसका मकान का किसी का घर नाम क्या है? क्योंकि सब लिखा जा रहा है, नोट हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है जनाब, मुझे जवाब देना पड़ेगा, आप तो चले जाएंगे। रिकॉर्ड आपको बात बोल रहा। अच्छा, आप आ सकते हैं हमारे इलाके, आए, लोगों से पूछे, मसाइल पूछे। तकरीबन 30,000 घरानों को मीटर नहीं देती है क्या इलेक्ट्रिक? ओके, इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, अगर और फिर भी आपको फिर अदायगी किस तरह करते हैं आप? हम एक मीटर के कितना बिल एक मीटर पे आता है? एक मीटर के ऊपर हमारा तकरीबन 20,000 रुपए बिल आता है। और हम जब एक मीटर पे 10-10 और 100-100 घरानों के आप लगाएंगे तो आपका स्लेब कहाँ पहुँच जाएगा? तो ये सब गरीब लोगों को जो है वो बताना पड़ेगा, ये बदमाशी। दूसरी बात ये है कि मीटर जब इनसे कहें कि लगाओ तो कहते हैं कि यार टोकन पैसे दे दो, फला पैसे दे दो, इस मद में पैसे जो है वो जमा करा दो। मीटर लोगों के पैसे दिए बगैर नहीं लगते हैं, और उसको भी वो ऑफिशियल बना लेते हैं। जितने लूट मार की चीजें हो सकती है ना, वो सब किए। 50,000 मीटर आप कहते हैं नहीं है जनाब? 30,000 मीटर ये कहते हैं जनाब नहीं है। नोट कर ले जनाब, कह रहे 30,000 मीटर दिल्ली कॉलोनी में नहीं है, एक मीटर लगाए दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, नई बस्ती, चाइनी ओब्लीज, ये सारी शामिल है, और ये बिला जवाज बंदिश है, और बिल्कुल सामने की आबादी है, आप आके विजिट कर सकते हैं, मेरे साथ चल सकते हैं। अच्छा, मैं साथ चलने को तैयार हूँ, मैं लोगों से मिला। अच्छी जगह ले आए, क्यों देने में आ रहे हैं? ये फाइल लिए क्या खड़े हुए जनाब? आप जनाब ये एक मीटर 2014 में अप्रैल के महीने में हमने अपनी दरख्वास्त पर इजाफी मीटर रिमूव करवाया। अच्छा, के इलेक्ट्रिक से। ये इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, ये स्टैम्प है इसका, इसकी पहली एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन, ये इनकी रिसीविंग है। ठीक है, उसके बाद ये बिल अब भी हथकड़ियों के साथ हमें जारी किया जा रहा है। अच्छा, ये मीटर निकाल लिए। अच्छा, अच्छा हथकड़ी तो नहीं पड़ी गई अभी। ये ना एक और बात है, ऐसी ऐसी खौफनाक सजाएं, 7 साल अंदर रहोगे और पता नहीं 14 साल बामशक्कत रहेगा और पता नहीं क्या क्या। मैं देख के दहशत में आ गया, और मैंने कहा कि ये बताएं कि जो लोग ये सजाएं दे रहे हैं, हथकड़ियाँ दिखा रहे हैं, इनमें से लोगों ने, मैंने सुना लाहौर इलेक्ट्रिक का, लाहौर इलेक्ट्रिक करने वाला वो खुद जो है 13 करोड़ का करा, पता नहीं शायद हथकड़ियाँ पड़ा है खुद के इलेक्ट्रिक ने ऐसे सार्फिन से, और मैं ज़ाती तौर पर नहीं जानता, बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो फ्लैटों में पहुँच कर जो कुछ करते हैं, उनमें से कितनों को हथकड़ियाँ लगाई गई, कितनों को बरतरफ करा। देखिए मैं फिर ये चाहता हूँ कि इस मसले को सियासी न बनाया जाए, कि इलेक्ट्रिक एक पब्लिक सेक्टर का इदारा है, पब्लिक सेक्टर अकाउंटेबल होता है, निजी सेक्टर ये नहीं कह सकता कि वो सेठ है, वो किसी को जवाब नहीं देगा। हाँ, सेठ अपनी दुकान चलाए, हलवाई की दुकान पर हम पूछने नहीं जाएंगे, हम ये जो दूसरी जगह लोगों ने लोग अपने खोल रखा है, लेकिन जिसका ताल्लुक कराची के 2 करोड़ आवाम से है, कराची के कितने सार्फिन है जनाब? 2.5 मिलियन, 25 लाख सार्फिन है, उनसे है, तो उसका जवाब आपको देना चाहिए। ये यहाँ कचहरी लगाए हुए हैं, इन्होंने यहाँ कटहरा लगाया है, आप इनके सामने कचहरी कटहरा लगाएं, यकीन करें मैं यहाँ नहीं आऊँगा, आपके साथ बैठूंगा और एक एक मसला आप हल करेंगे तो हम आपके सामने लगाएंगे के इलेक्ट्रिक जिंदाबाद का नारा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखें ये कहते हैं कि आपके मोहल्ले में चोरी हो रही है तो आप जिम्मेदार हैं कि चोरी पकड़ें,
दुनिया के किस कानून के तहत एक मोहल्ले वाला आदमी जिम्मेदार, वो है उनका अमला है जो कुंडे लगा के जाता है। दूसरी बात ये कि आईन के खिलाफ ये बात है कि अगर मोहल्ले में चोरी हो रही है तो सारे उस बिल को भरें, ये हमारे कानून में भी नहीं है और नेपरा के रूल्स में भी ये बात मौजूद है कि सबको अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई देना इनका फर्ज है। तो अगर ये इस बुनियाद पर लोड शेडिंग कर रहे हैं कि इस इलाके में चोरी होती है या इस बुनियाद पर सब पर बिल लगा के भेज रहे हैं तो ये सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। इन्हीं जेन्युइन ग्राउंड्स पर हम तहरीक चला रहे हैं। अच्छा, एक मैं सवाल कर लूं आप दोनों हजरात से। चले हाफिज साहब ने कहा, और आप भी कुछ 10-15 साल से इनका तो खैर ये CPLC से लड़ रहे, आप भी लड़ रहे हैं, लेकिन ये क्या वजह है? ये लोगों में, सॉरी टू से, ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आवाम दुरुस्त होते हैं। आवाम जो है मजलूम होते हैं, महरूम होते हैं, लेकिन वो जुल्म सहते हैं, और आवाम जब जुल्म सह उनकी आदत बन जाए तो इसीलिए इदारे पनपते हैं। ये आखिर क्या वजह है कि सोसाइटी में इतनी बेसी क्यों हो गई है? ये जो दरबदरे पे लोग खाते हैं, आपने इतने राइट लड़ा, क्यों नहीं आप जमा कर सकी 100, 200, 500 लोगों को के जो आए और आपके राइट के लिए लड़े, यानी कंज्यूमर के? मुझे सब ये देखे ना कि हम उस शहर में खड़े हैं कि जो अतिया देने में एक बुनियादी और सबसे अव्वल हैसियत रखता था, आपने उस कराची को अतिया लेने वाला शहर अब बना दिया। अब लोग कहते हैं कि हम अतिया देकर इसकी सड़कें ठीक करने को तैयार हैं, हम अतिया देकर इसकी रिक्रेशन ठीक करने को तैयार हैं। हमारा जो आम आदमी है वो सड़कों पे खड़ा हुआ है अपने उस बुनियादी हक के लिए जिसके लिए वो पैसे दे रहे हैं, जिसके लिए नेपरा ने पाबंद किया है इन ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप इनका हक इनको दें। लेकिन जब सुनवाई ना हो, जब रिट ना हो किसी की, और जब आपको ये नज़र आए कि अपने इंटरेस्ट की खातिर सारे जो कंज्यूमर है वो अपने अख्तियार रखने के बावजूद वो हासिल नहीं कर सकते, तो ऐसी पॉलिसीज को, ऐसी गवर्नमेंट को, और मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, लेकिन क्विक नाजिर साहब एक बात करूँ आपको, ये जो आवाम के लिए यहाँ खड़े हैं, आप ये नहीं समझते कि ये लोग इतने अरसे से ये तमाम एक बिजली का मसला नहीं, गैस का मसला भी है, पानी का भी मसला है, ये लोग क्या कराची के शहरी इस बात के आदी हो गए हैं कि वो तमाम ये मसायब व आलाम झेलते रहें और उसके लिए जो लोग आवाज उठाएं उनके साथ नहीं खड़े हूँ? मैं ब्रेक के लिए जाना पड़ा। आज ये जो हम आज यहाँ खड़े हुए जमात इस्लामी ने ऑर्गेनाइज किया ना, मुझे कोई उनसे वो कोई, मैं मुंसलिक नहीं हूँ जमात इस्लामी के साथ। अच्छा। लेकिन मैं एक इशू पे आया हूँ इधर, बाकी क्यों नहीं आते? पीपल्स पार्टी वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? नून लीग वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? एमकेएम वाले क्यों नहीं आ रहे? बाकी भी नहीं आ रहे? सिविल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जिसका मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से उनको सबको आना चाहिए। अगर इशू पे हम अग्री करते तो सबको आना चाहिए। ये लीजिए, मुझे तो इशारा एक हो रहा है, इससे पहले कि कोई बिजली जाए मैं ब्रेक की तरफ चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं जाएगी, अभी नहीं जाएगी, मुझे पता है। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास बाकायदा केसेस हैं जो बड़ी बातें चलें जाने दें, लेकिन यहाँ मसला सबका, सबसे बड़ा मसला ये है कि एक आम आदमी जो बिल देता है उसके घर बिजली आनी चाहिए। हम तैयार हैं, इस्लामाबाद में बताया जाता है 1 घंटे की लोड शेडिंग तैयार हैं, 2 घंटे की लोडिंग तैयार है, उसके आप टाइम करें, उसके शेड्यूल दें आप 9 से 10 तक, 4 से 5 तक, 3 से 4 तक। हम समझते हैं कि जनाब हाँ ठीक है 7,000 का शॉर्टफॉल है जिसकी सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं, लेकिन आपको अगर लोड शेडिंग कर रहे हैं उसकी आपको बाकायदा अखबारों में जाकर टाइमिंग देनी होगी, इसलिए कि हम बिजली दे, हम बिल देते हैं, जो लोग बिल नहीं दें उन्हें हमारे सामने कठेरे में अगर आपने पकड़ा है तो लेके आए, लेकिन बिल देने वालों को वक्त पर आपको बिजली देनी पड़ेगी। चलते हैं एक ब्रेक के जाने। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में, पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए?
सियासत बराए आवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाई हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्ज़ा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्ज़ा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। जमहूरियत है हर
जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए आवाम। मुजाहिद बरेलवी एक बार फिर के इलेक्ट्रिक के सामने उस धरने में है, जहां कहते हैं जी 25 लाख लोगों में से 10 लाख लोगों के दस्तखत जरूर लेंगे जो उनके साथ जाती है उसके खिलाफ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जनाब सारी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। इख्तलाफी फैसले के बाद मजीद 2 महीने लगा दिया कि आप इंतज़ार करें, लेकिन सदर साहब, ममनून हुसैन साहब जो आप इस शहर के हैं, वज़ीर आज़म साहब, इमरान खान साहब, जरदारी साहब और तमाम पार्टियों से कहूँगा, पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बिजली है। बिजली नहीं है तो पानी नहीं मिलता, पानी के अलावा गैस भी इशू है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर कहते हैं, जनाब कैबिनेट में कहते हैं कि जनाब 13 घंटे 14 घंटे की जब वो कहते हैं पंजाब में जो है लोड शेडिंग हो रही है, तो कराची में भी उससे कम की नहीं हो रही। इसलिए मैं सिर्फ खाली के इलेक्ट्रिक को नहीं, सिंध हुकूमत को जो यहाँ हुकूमत कर रही है, शाह साहब आप भी जिम्मेदार हैं। जब बड़े बड़े इश्यूज़ के लिए आल पार्टीज होती है, मुलाकातें करते हैं, इसके लिए क्यों नहीं करते गैस और बिजली के लिए? और दूसरे जनाब ये भी कि जो एक अहम मसला ये है कि ये कहते हैं जनाब जो बिलों की लोगों की शिकायतें होती हैं, ये बिल लेकर जब मुतसिब के पास जाते हैं तो 80% जो है वो उस पर शिकायतें को हम हल कर देते हैं, शायद 20% हैं। नाज़िम हाजी साहब से जब मैं पूछ रहा था, लेकिन इन्होंने एक और ख़तरनाक बात बताई कि इस शहर कराची के हमारे ममनून हुसैन साहब के ज़रिए बिजली और गैस के ख़िलाफ़ शिकायतों को मुतसिब आला से निकाला जा रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नाज़िम साहब आप। ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया है कि प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट से 3 केसेस मेरे पास आए जो उन्होंने रद्द किए और रिजेक्ट कर दिए। अच्छा, सबके आला मुतसिब आला के फैसले को। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि वहाँ एक बहुत बुरा लगता है ऐसा कहने, एक साजिश हो रही है कराची वालों के साथ, सही नहीं, पूरे पाकिस्तान में हमारे सदर में साजिश हो रही है ममनून भाई है? नहीं, ममनून साहब से मैं, हमारे सदर में पहले ये साजिश होती थी कि वजीर आजम को किस तरह निकाला जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो वफाकी मोतसिब का इदारा है, ये एक ही इदारा है जो बहुत ही सस्ता और स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करता है, कोर्टों में नहीं जाना पड़ता है। और ये भी जैसे भाई ने पहले बताया था, 1% लोग 1% लोग जहाँ पहुँच सकते हैं मोतसिब आला के, तो उनकी भी अगर रिसवाई नहीं चाहते तो ममनून साहब प्लीज़ आप ये जो आपके साथ जो रिकमेंडेशन आए हुए या जो आपको ख़त आए हुए हैं, जो जिनके पास कॉपी मेरे पास मौजूद है, तो आप इसको सही पढ़िएगा और मेहरबानी करके फैसला इंसाफ की बुनियाद पर। ममनून साहब भी क्या करें, इस्लामाबाद के हवाले सदर में, कराची में जब बंसोड़ में थे उस जमाने में बिजली जाती थी, डिफेंस में बिजली जाती थी, उन्हें यहाँ के बता। एक और मेरे यहाँ पर एक भाई बहुत देर से खड़े हैं,
ये कहते हैं कि जब 7,000 लोगों को केएससी से निकाला गया था, उनमें से 3,000 ने जो है गोल्डन शेक एट ले लिए थे, 4,000 को जबरी निकाला गया, कुछ के पैसे ले लिए, कुछ नहीं लिए, लेकिन ये कहते हैं जनाब मुझे अभी तक मैं धक्के खा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, मेरे साथ कोई फैसला नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं मिला। क्विक एक लाइन में बताइए अब जनाब, ऐसा ही है? जी सर ऐसा ही है, एनआरसी में अब केस चला गया है और सुप्रीम कोर्ट जब लिखा उससे पहले ही के इलेक्ट्रिक ने अपने जवाब बना के उसको दफना दिया था। अच्छा, तो और फिर जब हमने हाफिज नईम साहब ने और जमात इस्लामी ने ये कदम उठाया तो हम किसी के उस पर नहीं आए, खुद आए अपने मसले लेके, क्यों हमने जिनको कराची का मैंडेट दिया था कुछ भी नहीं हुआ। और भी तो गलत तरह इनके पास आ गए भाई, 9-0 के पास जाते हैं, फिर पार्टी के पास जाते हैं। अच्छा दोनों जगह गए, दोनों जगह गए भाई। अच्छा लंदन तक भाई को भी बताया था फिर भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा इसके जनाब ये केस के सिलसिले में हमारे हाजी साहब ने कहा है कि ये प्रॉपर वकील करके देंगे और इनकी पूरी हेल्प की होगी। क्विक आखिरी फिर हम आते, ये मुसलसल पेमेंट कर रहे हैं 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 4,000 रुपए। ये इनका नाम है खारून खैरुन निसा, ठीक है, और ये इनका जो है AL5। कल बाद इदारे जाली सर्टिफिकेट बनाने में बहुत मशहूर है, जाली बिल ना बना दे। देखिए 202 इनके यूनिट चार्ज हुए और बिल आया इनका 1,14,885 रुपए, और ये रेगुलर पेमेंट करने वाली खातून है। अब आप ये पूरी फाइल इन चीजों पर मुश्तमिल है, आप मुझे बताएं ये लोग कहां जाएं। और 20,000 वफाकी मोहतसिब के पास पिछले साल 20,000 लोग गए, 20,000 में से 99% के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फैसले हुए और फिर उन्होंने उसको नहीं माना, और ममनून हुसैन साहब के पास एक लीगल डिपार्टमेंट कायम हुआ हुआ है जो कई से मिला हुआ है और कराची के लोगों पर जुल्म करता है और कलदम कर देता है वफाकी मुतसिब के फैसलों को, ममनून हुसैन साहब के ऊपर जिम्मेदारी है ये। हमारे पास कम है लेकिन मैं जरूर चाहूंगा हुमा कि ये जो कम से कम मुझे भाई फोटो कापी जरूर दे देना, और मैं कई इलेक्ट्रिक वालों को यहाँ से दावत देता हूँ लाइव स्क्रीन पर कि ये सब फोटो कापियाँ मेरे पास होंगी, कम से कम 10-12 केस रखूंगा उनके बाद, आप भी जरा साथ रहिएगा जरा मॉरल सपोर्ट के लिए। जो सियासी जमात हो वो आवाम की खिदमत के लिए, हम सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, आवाज़ उठेगी हम उनके साथ खड़े होंगे। दो चीज़ें भी अगर हो जाए कि जी अगर जो पी कास्ट के जो बिल कम है वो कराची में इम्प्लीमेंट हो, 12.5 रुपए दें बजाय 18 रुपए के, और जो निकाले गए लोग और ये कहा गया था कि जिनको नहीं निकाला जाएगा उसके भी पैसे कंज्यूमर से चार्ज किए जाएंगे, वो चार्ज हो रहे हैं लेकिन लोग रो रहे हैं कि उनको जॉब से। जनाब एक और बात है जनाब, सॉरी टू से नहीं कहना चाहता, कुछ बात कहूंगा तो लोग कहेंगे जी गेम चेंजर साबित होगा ये जो CPAC और है, ये ना समझे कि लोग बेवकूफ बन रहे हैं, 45 अरब, 50 अरब, 65 अरब हो गया है। अब मैं तो ये कहने लगा ये जो DIG के मसले में ऐसा ना हो कि चीन से IG भी आने लगे कराची में, जरा ख्याल वाल रखिएगा आप लोग, जो जो जिस तरीके से आप के इलेक्ट्रिक जो है वो शंघाई इलेक्ट्रिक को बेच रहे हैं, अगर आप बेचना चाहते हैं मुरैल में शायद 45-46 अरब रुपये में खरीदी हुई, साफ और शफाफ तरीके से करें, लोगों को एतमाद में लेकर बेचें, और सबसे बढ़कर यह है कि इस बात की जमानत दें, मायदा दें, और सबसे बढ़कर मैं अपनी बात इस पर खत्म करूंगा कि कराची का जो शख्स कुंडा लगाता है आप उसको उस खंबे पर खड़ा होकर उसको आप लटका दें, कराची का शख्स जो बिल्ली चुराता है आप उसके चेहरे दिखाएं, उनकी तस्वीरें छापें, कराची का अगर कोई शख्स जो है गैर कानूनी तौर पर कनेक्शन कराए उसके साथ आप जो सजा देंगे, मैं आपसे कहता हूं कि मैं उस स्क्रीन पर तस्वीरें और उसकी तफसीलात आपको दिखाऊंगा, लेकिन कराची का जो शख्स बिल देता है और फिर उसके घर 8 घंटे बिजली नहीं आती, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके साथ वो सुलूक हो, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि के इलेक्ट्रिक एक पब्लिक सेक्टर का इदारा है, पब्लिक का इदारा है, पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि लोग बिल देते हैं गर्मी में सर्दी में लाइन लगाकर तनखानी दो तो उधार होके, और मैंने देखा कि मेरे कहा नहीं यार मेरा नहीं ना ना ना, आखिर 30 तारीख को गवर्नर हाउस से भी आप आइएगा, हजारों की तादाद में हमारे माए बहने भी होंगी, गवर्नर साहब बोलते भैया बड़े 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 खौफनाक नारे लगाने की तैयार थे, बड़ी मुश्किल से मैंने रोका है, मैंने कहा जी वो ये ना हो जाए आइंदा फिर मेरा कैमरा लेकर आपका ना खड़ा हूँ, और फिर मैं ये कहूंगा कि बराए करम अगर आपके दिल में दर्द है होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि सब जो पूरी इंतजामिया जो है वो शायद, लेकिन अगर आपको किसी ने गलत रास्ते पर डाला है, मिसगाइड किया जा रहा है, तो बराए करम ये जो हमने केसेस बताए हैं, ये जो इन लोगों की बातें बताई हैं,
जो मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोग हैं, ठीक है, नईम साहब का पता नहीं मेरे पोलिटिकल एजेंडा अगर ये अगर आप कहने की जी जो जमात इस्लामी का एजेंडा, एजेंडा क्या है, आवाम की खिदमत का एजेंडा है, एजेंडा है, इसमें क्या गलत है? सही बात है जनाब। और ये पोलिटिकल एजेंडा डरें कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज का एजेंडा हो सकता है, लेकिन अभी भी हम समझते हैं ये अप्रैल का महीना है, मई और जून और जुलाई उससे ज्यादा खौफनाक महीने आ रहे हैं। खुदा के वास्ते ये जो आप अरबों के पैसे लेकर अपने एयर कंडीशन बंगलों और दफ्तरों में बैठे हैं तो इस तरह नहीं चलेगा मामला। प्लीज मैं फिर भी आपसे दरख्वास्त करूंगा, नर्म से नर्म लफ्ज में कहूंगा, और खास तौर पर रमजान का माह रमजान आ रहा है, मुकद्दस महीना आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट में कहने से कुछ नहीं होगा, पार्लियामेंट में होगा नहीं होगा, और ये कहते हैं जनाब गवर्नर हाउस में धरना होगा। मुजाहिद बरेलवी को कराची के इस चौक से इजाजत दीजिए।